एक इवेंट जो मैं इस सारी दुनिया में करता हूँ। ये एक पहली बार जापान में मुझे इनविटेशन आया है वहाँ पे, और सारी दुनिया के डीजेज वहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्री को, और पहली बार हिंदुस्तान का नाम वहाँ पर आया है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान से चूज़ किया गया हूँ इस पर्टिकुलर मकसद के लिए और वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए एक ग्लोबल स्टेज के लिए। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। कम से कम 4 हफ्ते से तैयारी कर रहा हूँ इसकी, और इनिशियल जो मेरा जो ओपनिंग ट्रैक होगा वो होगा वंदे मातरम, और बिकॉज मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम सबको पता है कि रजनीकांत एक बहुत बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे जिसको लोग पसंद करते हैं, और हमारी फिल्में वहाँ पे आस्ते आस्ते बढ़ रही हैं, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। फैंटास्टिक प्लेस और बहुत फ्यूचरिस्टिक जगह है, और वहाँ पे म्यूजिक भी बहुत फ्यूचरिस्टिक होगा। आई थिंक बहुत पहले बन जाने चाहिए थे, पता नहीं इतनी देर हुई क्यों। आई थिंक समबडी शुड मेक इट रियली सून एंड इट विल बी सच अ म्यूजिकल ट्रीट। बर्मन जी का म्यूजिक सुनती हूँ तो सबसे पहले मुझे एक सोलफुल मेलोडियस कॉम्बिनेशन विद रॉक एंड जैज एंड फंक आता है, बिकॉज आई थिंक ही वॉज अ वेरी रेवोल्यूशनरी म्यूजिशियन। उन्होंने मेलोडी को बहुत ही उस टाइम का जो मॉडर्निज्म था उसके साथ फ्यूज किया था और वेस्टर्नाइज भी किया था। इनफैक्ट आर डी बर्मन वॉज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन इंडिया। डीजेस मेरे लिए बहुत ही फेवरेट हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी गाने को स्पाइस अप करने के लिए एक डीजे की बहुत अहमियत होती है, अपने गाने को बहुत ही हिट कराना चाहे, दैट्स व्हेन द डीजे कम्स। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड वी ऑल हियर टू सेलिब्रेट एंड कांग्रेचुलेट अकबर भाई ऑन दिस। एंड द गुड थिंग इज दैट लोग वहाँ से हिंदुस्तान आते हैं परफॉर्म करने के लिए। ये पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान वेस्ट में जा रहा है परफॉर्म करने के लिए, सो वो एक बहुत बड़ी बात है। अकबर भाई वहाँ पे जाके वंदे मातरम प्ले करने वाले हैं जापान में, ही इज गोइंग टू ओपन विद दैट ट्रैक व्हिच आई थिंक इज द बिगेस्ट डेडिकेशन वन कैन गिव टू योर कंट्री। ही इज हेडिंग आउट टू जापान टू रिप्रेजेंट इंडिया, बहुत बड़ी फेस्टिवल है तो वहाँ पर बजाने जा रहे हैं हमारे देश की तरफ से, तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये एक्चुअली मैं जानता हूँ क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है, क्योंकि अभी इंडिया से पहला डीजे जा रहा है फेस्टिवल में परफॉर्मेंस का करने के लिए जापान में, इससे गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन। इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, सिर्फ खोजने की कमी है, और जैसे ही खोजते जाओगे वैसे वैसे हीरे निकलते जाएंगे। आई थिंक अकबर डिजर्व्स दिस थिंग व्हाटएवर ही इज गॉन। वी गाइस आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड बीन लिसनिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई थिंक सो इवन इरफान खान विल बी गुड बिकॉज इट सूट्स द कैरेक्टर, आई थिंक सो ही विल बी द राइट चॉइस। सर का पहला गाना जलवा जो उन्होंने रिमिक्स किया था, उनका पूरा एल्बम आई थिंक वाज फैंटास्टिक। वो मेरा एल्बम एक इंस्पिरेशन था जब मैं मेरे रिमिक्सेस बना रहा था और एल्बम रिलीज कर रहा था, सो इट्स वेरी गुड। अगर हमको कहीं किसी के साथ स्पिन करना है तो मैं शायद डेविड गेटा और अविची को बोलूँगा कि हमारे सामने आए और म्यूजिक बजाए, पर देखते हैं कि हम लोग कैसे बजाते हैं। विश हिम ऑल द बेस्ट, क्योंकि डीजेइंग का आर्ट जो है हमने बाहर से ही सीखा, लेकिन इस मामले को यहाँ तक लेके जाना और एक मुकाम हासिल करना डीजेइंग में इंडिया के लिए बड़ा गर्व की बात है। When we used to have only Doordarshan 1 and Doordarshan 2, that's the time when we both were DJs. So even as of today, people call us the Jay and Veeru of the industry. Yeah. We've done umpteen number, hundreds of shows together all across the world. And I wish him all the best in all his ventures. And he representing India from our industry, from the DJing industry, from the music fraternity. God bless him. God bless Akbar Sami. पूरे कंट्री में सब सिर्फ 3 डिस्को हुआ करते थे, कोई बार नहीं था, वाइन शॉप नहीं था, वाइन अलाउड नहीं था, तो तब से हम ये सब कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स बजाते थे, एयर होस्टेस को पैसे देते थे, रिकॉर्ड्स लाते थे, हम लोग ने जितने पापड़ बेले शायद ही कोई बेला होगा, और फिर भी हम लोग आज के टॉप 3 डीजे में जाने जाते हैं। हम लोग फिर भी जब हम लोग स्टार्ट किए तभी 3 या 4 डीजे थे पूरे कंट्री में, अब 5.5 लाख डीजे, और फिर भी हमारे पास इतना ज़्यादा काम है।